डिस्ट्रिक्ट में हावी नहीं हमने होने दिया, आप सबके सहयोग से, पुलिस की मदद से, आपकी मदद से, लोगों की मदद से, बट अब वो टाइम आ चुका है कि हमें तीसरी भीड़ से भी लोगों को बचाना है, जिसके लिए हमें सख्ती करनी पड़ेगी और आप सबका उसमें सहयोग चाहिए हमें। रोड साइड वेंडर्स जो हैं वो भी हमेशा मास्क पहन के रखें। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर जब आप घर से निकलते हैं बाहर, तो एक रूटीन बना लें कि अभी हमें आने वाले 70-80 दिन जो है वो मास्क को नहीं छोड़ना है, मास्क को पहन के रखना है और किसी को किसी से गले नहीं मिलना है। हाथ जोड़ के दूर से नमस्कार कर दो, नमस्ते कर दो, अदाब कर दो, बट एक दूसरे को अभी गले नहीं लगना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करनी है। इसके साथ साथ इसका एक और माध्यम है हमारे पास बचने के लिए, वैक्सीनेशन का। आप सब जानते हैं कि 45 प्लस में जो वैक्सीनेशन है वो 100% हो चुकी है, 18 से लेकर 45 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनमें वैक्सीनेशन अभी अप्रॉक्सीमेटली 45% के नज़दीक हुई है। तो मेरा यही आपके माध्यम से अपील रहेगी, अगर हम चाहते हैं हमारे कॉलेजेस खुलें, हम ये मास्क को उतारें, उसके लिए हमें 100% वैक्सीनेशन जो है वो उसका टारगेट जो है वो अचीव करना पड़ेगा। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगा कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और हमें भी सहयोग करें ताकि हम कोई हार्ड स्टेप्स ना लें।